दूसरी, उत्तर प्रदेश में लाखों अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती का वेट पिछले 5 वर्षों से कर रहे हैं और यहाँ पर 2019 में नए आयोग की बात आई थी सामने और तब से लगा करके 2024 आ चुका है, अभी तक धरातल पर आयोग सक्रिय नहीं हो पाया है। लेकिन अब यहाँ पर आज के समाचार पत्र में नए आयोग से संबंधित खबर प्रकाशित की गई है, आइए इसको देख लेते हैं कि इसके अनुसार आपकी जो पेंडिंग परीक्षाएं हैं TGT PGT की, इसके अलावा UP TET और उसके बाद ही सुपर टेट की आप उम्मीद कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप ये जानना चाहेंगे कि सुपर टेट आखिर कब तक आएगा, कि लगातार जब भी कोई क्लास या कोई भी वीडियो अपलोड होता है तब यही सबसे पहले सवाल पूछा जाता है कि सुपर टेट कब होगा। देखिए, इस बारे में फिक्स डेट आपको कोई भी नहीं बता सकता क्योंकि इस बारे में भी सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। 2024 का चुनाव नज़दीक है, इसमें इनको मतलब ऐसा कोई मुद्दा है ही नहीं, रोजगार वाला कोई मुद्दा है ही नहीं जिसको लेकर के ये लोग सक्रिय हों। रही बात रोजगार के मुद्दे की, तो उन्होंने लगभग 60,000 पदों पर पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी ही कर दिया है, तो धीरे धीरे करके सारी भर्तियां इनके हिसाब से की जाएंगी अपने प्लान के तहत। इनको युवाओं के भविष्य से मतलब नहीं, इनको अपने चुनावी हिसाब से भर्तियाँ देनी है, इसलिए इस तरीके से ये जो भी प्लानिंग है वो कर रहे हैं इनकी टीम, इनके अधिकारी, कि हर एक चीज़ को एक विशेष फायदे के लिए यूज किया जा सके। जैसे अभी लोकसभा चुनाव के समय पुलिस भर्ती का विज्ञापन आ गया है, अब शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब आएगा इस पर बड़ा संशय है। फिलहाल देखते हैं इस खबर में क्या कहा जा रहा है और शिक्षक भर्ती कब आएगी। 2024 के लास्ट तक आप उम्मीद कर सकते हैं, पक्का वो भी नहीं है। इसके पहले DSSSB की वैकेंसी आने वाली है, आप उसकी तैयारी जरूर करें। कहा जा रहा है, प्रयागराज से प्रकाशित खबर है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग फरवरी में सक्रिय हो जाएगा। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, आवेदनों की स्क्रीनिंग भी शुरू हो चुकी है। फरवरी में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी। नए आयोग के गठन के इंतजार में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों में 2 साल से शिक्षक भर्ती फंसी हुई है। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। वहीं TGT और PGT के लिए 4,163 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। दोनों भर्तियों के विज्ञापन जारी हुए 2 साल पूरे हो चुके हैं, देख लीजिए क्या दुर्भाग्य है। इसके बाद बहुत सारी योजनाएं आई होंगी सरकार की तरफ से, बहुत सारे कार्यक्रम तय किए गए होंगे और वो पूरे हो गए होंगे, लेकिन ये विज्ञापन कब आया था, 2022 में, और 2024 में आप आ चुके हैं। शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन के दौरान नए आयोग की गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, ऐसे में अशासकीय विद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया बीच में ही रोक दी गई थी और शासन ने तय किया था कि नए आयोग के गठन के बाद ही इन भर्तियों को पूरा किया जाएगा। 2-3 साल के बाद ये लोग नया आयोग बना पाएंगे और रैलियों में आप देखिएगा, जब भी चुनावी रैली होगी अभी 2024 की, तो आपके मुख्यमंत्री साहब बहुत अच्छे से इस मुद्दे को तारीफ करते हुए दिखाएंगे कि पहले धांधली होती थी, पहले अलग अलग आयोग होता था, अब हमने एक आयोग बना लिया है जिससे धांधली रुकेगी, पारदर्शी तरीके से ये वो, तो इसका प्रचार करने के लिए ये पूरे प्लानिंग के तहत ये काम किया गया है। दोनों भर्तियों के लिए 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं और इन अभ्यर्थियों को 1.5 साल से भर्तियाँ पूरा होने का इंतजार है। आगे देखिएगा, अभ्यर्थियों का यह इंतजार जल्द ही खत्म होने जा रहा है। नए आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदनों की स्क्रीनिंग की जाए कि प्रक्रिया इस माह के अंत या फरवरी की शुरुआत में पूरी हो जाएगी। इसके बाद पैनल तैयार कर शासन को भेजा जाएगा, उसी पैनल से आयोग के 1 अध्यक्ष और 12 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों के अनुसार फरवरी में आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अभी किसी नई भर्ती का अध्याचन तैयार नहीं किया गया, देख लीजिए लिखा हुआ है, अभी कोई नई भर्ती का अध्याचन तैयार नहीं है, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। पहले पूर्व में जारी विज्ञापनों के तहत भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आयोग के सक्रिय होते ही अशासकीय महाविद्यालयों और अशासकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी। यानी सबसे पहले ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है 1,017 पदों पर, TGT PGT के जो पद हैं इनकी जो पेंडिंग परीक्षाएं हैं ये हो पाएंगी। तो अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं कि फरवरी में आयोग सक्रिय होगा। मान लिया अगर ये लोग एग्ज़ाम डेट दे भी देते हैं तो मान करके चलिएगा अप्रैल के आसपास आपका TGT PGT का एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है, संभावना है, ये फिक्स कुछ भी नहीं है, ठीक है, अप्रैल के आसपास आपका ये एग्ज़ाम होगा। और अगर हम बात करें UP TET की,
ठीक है। और अप्रैल अप्रैल में चुनाव होने हैं, तो हो सकता है अप्रैल में ना भी हो पाए, आगे भी टल सकता है ना। मई जून की तरफ भी एग्ज़ाम शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि अप्रैल मई के आसपास चुनाव और वोटों की गिनती, ये सारे कार्यक्रम लगे हुए होंगे, तो सरकार के पास व्यवस्था नहीं होगी परीक्षा कराने के लिए, क्योंकि प्राथमिकता परीक्षा कराना नहीं है, प्राथमिकता है अन्य कई सारी चीज़ें कराना। तो ये मान करके चलिएगा कि यूपी टेट की जो परीक्षा है वो विज्ञापन जारी होने से लेकर के परीक्षा होने तक ही ये पूरा साल इसी में चला जाएगा 2024। अभी आप फरवरी में आयोग सक्रिय होगा, यूपी टेट की परीक्षा साल अंत तक कहीं हो पाएगी, रिजल्ट आ पाएगा। तो आप सुपर टेट की उम्मीद जो लगाए हैं कि इस साल होगा, परीक्षा इस साल संभव नहीं है, नोटिफिकेशन ही आ जाए ये बड़ी बात है। शिक्षक भर्ती को लेकर के मुख्यमंत्री साहब घोषणा कर दें यही बड़ी बात है, और अगर घोषणा भी कर देंगे तब भी अपने आप में एक अच्छा रहेगा कि आपके सामने एक टाइम मिल जाएगा कि हाँ अब चलो उम्मीद है तो आप पढ़ ही लेंगे कम से कम। देखते हैं इस संबंध में कोई भी अपडेट आएगी तो आपको सूचित करेंगे। इसके अलावा इसमें जो 6 से 8 की जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी उसका तो रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन वो भी मामला अटका हुआ है। देखते हैं क्या कुछ होता है, संबंध में कोई भी अपडेट आएगी सूचित करेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी डाउट है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।